हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक सा सादा सा ड्रेस है, मगर हमने उसे सादा नहीं छोड़ा है, उस पर बहुत ही सुफियाने तरीके से डिज़ाइनिंग की है जो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगी। तो ये है इसका कैप्री ट्राउज़र, ठीक है, इसे भी हम खोल के दिखाएंगे, और ये है इसकी शर्ट। तो इसे मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ इसे हमने किस तरह डिज़ाइन किया है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है इसका कुछ आड़ा गला, ठीक है, ये है इसका बेगला जो कि फ्रंट और बैक से ना हमने ये चौड़ी पट्टी के साथ बनाया है। ये हमारा बेगला है, बेगले पे हमने आड़ा इस तरह बनाया है लूप्स के साथ, और बाद में ये हमने इसमें टसल्स अटैच किए हैं लूप्स के अंदर। तो भाई ये हैं इसके लूप्स, और हमने इसके अंदर 6 लूप्स लगाए हैं, और इसके साथ हमने ये जो लाइट कॉपर कलर है इसके साथ हमने इसको मैच किया है। तो ये देखने में इसकी लुक बेहद हसीन लग रही है, और इसके स्लीव्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके जो स्लीव्स हैं वो कुर्ता स्टाइल में इसके स्लीव्स हैं, और इसके स्लीव्स पर भी वही हमने सेम लूप्स के साथ अटैच किया है, ये देखिए आप। और ये इसके बीच में कट है, कट के साथ ये लूप्स लगाया है, लूप्स के बाद पल अटैच किया है, और सिर्फ इसकी आप अंदर की फिनिशिंग चेक करें, ये इसकी अंदर की फिनिशिंग है जो कि बहुत ही महारत के साथ इसे नीट किया है हमने। ये देखिए अंदर सारा जो है शलवार का फॉल दिया है, यहाँ कहीं भी आपको इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी, आपको इसमें सिलाई नज़र नहीं आएगी, सारा जो है गुम सिलाई के साथ बनाया है हमने। यहाँ पर तकरीबन हमने 7 इंच का चौड़ा फॉल दिया है, 7 इंच के फॉल के अंदर हमने ये 2 लूप्स अटैच किए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार सा कुर्ता लुक बन गया है हमारा। वो बिल्कुल सिंपल है, कोई पाइपिंग नहीं है, जिस तरह अंदर इसके अंदर फॉल दिया गया है उसी तरह थोड़ा सा कट यहाँ लगाने के बाद हमने 6 लूप्स लगाए हैं, 6 लूप्स के बाद ये गोल्डन टसल्स अटैच कर दिए, यहाँ पर भी सिंपल है। अब आ जाते हैं इसके चॉक्स की तरफ, इसके चॉक्स बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ हमने इस पर फिनिशिंग पट्टी दी है, और ये देखें यहाँ पर इसका हमने कोना बनाया है। मीन के पूरी जो शर्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो खूबसूरती है इसकी है, ये देखने में बेहद हसीन लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। तो भाई ये थी आज की हमारी शर्ट, अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ कि वो किस तरह बनाया है। तो भाई ये है इसका ट्राउज़र जो कि सिगरेट पैंट है, कम पांचों का है, तकरीबन 5.5 जो है इसका पांचे का साइज़ है सिगरेट पैंट का। आप सबको आई थिंक मालूम होगा कि कितना साइज़ होता है, और ये बहुत ही स्मार्ट फिटिंग के साथ बनाया गया है। इसका हमने फ्रंट जो है वो सादा छोड़ा है, इसके अंदर हमने बुकरम लगाई है, और आगे से हमने थोड़ा सा फ्रंट छोड़ा, तकरीबन 10 इंच का हमने फ्रंट छोड़ा है, और बैक पे हमने इलास्टिक लगाई है, आप ये देखें। और हमेशा ऐसा होता है जो फ्रंट छोड़ा जाता है उसके अंदर यहाँ बुकरम लगाई जाती है ताकि थोड़ा सा ना थिकनेस आ जाए। तो ये पहनने के बाद बेहद अच्छा लगता है, अच्छी लुक देता है, खड़ा पजामा है। तो ये था इसका सिंपल सा ट्राउज़र, इस पर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, जो डिज़ाइनिंग वाले ट्राउज़र होंगे वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। तो सादी शर्ट के साथ सादा ट्राउज़र था। तो भाई ये थी आज की हमारी सूट डिज़ाइनिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे डिज़ाइन लेकर आऊँ। तो इसकी मैं आपको इस तस्वीर जो है हमने इसको नेट पर देखकर बनाया है, जिस तरह नेट पर था सेम उसी तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया है। तो भाई अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस वक्त आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस लेकर आऊँ। तो भाई ये है बहुत लाइट फैब्रिक पे, आई थिंक गुल अहमद का स्टफ है, और ये नया आर्टिकल है। तो इसी बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।